विस्की कॉकटेल का सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी मैं एक शानदार विस्की कॉकटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कॉकटेल्स इंडिया और मैं हूँ आपका होस्ट दादा बार्टेंडर। तो देख लीजिए यह इंग्रेडिएंट लिस्ट कैसे बनाते हैं। आपको चाहिए एक ब्लेंडर, मेरे पास एक हैंड ब्लेंडर है तो मैं उसका जार ले लिया और यहाँ पर मैं पोर करूँगा पहले विस्की और यहाँ पर विस्की मैं दूंगा 45 ml। ओके, सो इस कॉकटेल को मैं थोड़ा सा क्रीमी बनाऊंगा और थोड़ा मीठा मीठा बनाऊंगा और इसलिए मैंने चुना पीनट बटर सॉस। ये देखिए पीनट बटर सॉस, और ये आपको देना है सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून। आप दे सकते हैं टीस्पून, मतलब 12 स्पून। ये देखिए मैं इतना सा यहाँ पर पीनट बटर सॉस दे दूंगा, अंदर में डाल दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर अंदर में चला गया पीनट बटर सॉस। पीनट बटर सॉस के साथ कभी कोई बर्बन विस्की को पीकर देखिए, क्या मस्त लगता है। और ये रेसिपी बहुत फेमस एक रेसिपी है। अब इसमें मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा चॉकलेट सॉस, तो चलिए पोर कर देते थोड़ा चॉकलेट सॉस। यस, अब चॉकलेट सॉस हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूंगा वनीला आइसक्रीम, तो एक स्कूप वनीला आइसक्रीम आप अंदर में डाल दीजिए। तो मैं एक स्कूप वनीला आइसक्रीम, मतलब जितना है मेरे पास वो मैं यहाँ पर डाल दिया ऐसे। ठीक है ना, देख लेता हूँ कितना है और थोड़ा। हाँ, ये काफ़ी कैलोरी ऐड करेगा इस कॉकटेल में। अब मैं मैटू टेसर का चॉकलेट सिरप को यूज़ करूँगा इस कॉकटेल में, क्योंकि ये ना थोड़ा सा और मतलब चॉकलेट का जो फ्लेवर है उसको काफ़ी हद तक एनहेंस करेगा। तो मैं यूज़ करूँगा अराउंड 20 ml मैं डाल दिया। बना कर देखिए ये कॉकटेल कितना मस्त बनता है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें थोड़ा सा क्रस्टाइज ऐड कर देता हूँ, तो उसके बाद हम लोगों को ब्लेंड करना है, इसको थोड़ा थिक बनाना है, थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी बनाना है। तो मैं थोड़ा क्रस्टाइज ऐड कर देता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा करके क्रस्टाइज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। अब इसको ब्लेंड करना है, तो मेरा ब्लेंडर रेडी है, चलिए ब्लेंड करते हैं। काफ़ी ब्लेंड कर लिए, काफ़ी थिक बन चुका है जैसे कि हम लोग को चाहिए। यही है इसका प्रॉपर टेक्सचर और थिक बनना चाहिए, तो बन गया ये थिक। अब मैं इसको एक मार्टिनी ग्लास में सर्व करूंगा। तो मार्टिनी ग्लास में सर्व करने से पहले आपको थोड़ा सा इसमें चॉकलेट सिरप से गार्निश करना है, तो ऐसे आप गार्निश कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए है ना, काफ़ी चॉकलेटी लगेंगे। अब इसको हम लोग पोर कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता घुमा के। देखा कितना मस्त लग रहा है, ये जो स्लैशी टेक्सचर है ये पीनट बटर सॉस के साथ बना है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। और काफ़ी हम लोग क्रस्टाइज में इसमें यूज़ किए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया। अब गार्निश की पारी, और गार्निश में मैं दूंगा कोई भी किटकैट या मंच कुछ भी हो आप इसको दे सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे बैठा देंगे, देखिए ऐसे, और लास्ट में थोड़ा सा और चॉकलेट देकर इसको हम लोग फिनिश करेंगे ऐसे। वाओ, बड़ा डिलीशियस कॉकटेल, मेरा तो जी ललचा रहा है। मैं पहले थोड़ा सिप कर लूँ, है ना। स्ट्रॉ कहाँ है भैया, ये आ गया स्ट्रॉ, तो चलो मैं सिप करता हूँ। डिलीशियस, मतलब एक ऐसा कॉकटेल मैं क्या ही बताऊँ। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा बना कर देखिए। इसका नाम याद है ना, चोकोनट मैडनेस। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग कॉकटेल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।